हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज हम कुछ और क्वेश्चन इसमें आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड MCQs के बारे में। वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए, द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये होता है डी, इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है सेल के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। एटीपी होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें एटीपी यहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी एनर्जी हमको मिलती है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसको एटीपी मिल भी इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है एटीपी मिल। और बायोब्लास्ट भी इसको बोला जाता है, ये इसके नाम है। ये आपने याद रखना है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और इसके द्वारा सेल की जो रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल की जाती है। और जो लाइसोसोम है इसको बोला जाता है सुसाइड बैग इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर कोई भी खराबी हो जाती है सेल के अंदर तो ये उस अंग का पाचन करता है। और अगर पूरा ही सेल खराब हो जाता है तो अपने आप को यहाँ खत्म कर देता है, उस सेल का पाचन कर लेता है। तो लाइसोसोम साइट बैग इसको बोला जाता है। और जो न्यूक्लस होता है हमारा कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लस को, क्योंकि ये क्या करता है, पूरी चीजें इससे यहाँ पर सेल की कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन हमारी बॉडी की सारी चीजें कंट्रोल करता है, उसी तरह से एक सेल के अंदर जो न्यूक्लस होता है, केंद्रक होता है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है न्यूक्लस। और इसमें क्या, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, DNA जो होता है यहाँ पर ये होता है। और जो गोल्जी बॉडी होती है ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग का ये काम करता है। प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, पैकेजिंग करता है। तो इतनी सारी चीजें आपने याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है हमारे शरीर में? लंग्स, किडनी, लीवर या थायराइड? सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, सी इसका राइट आंसर है। लीवर जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे शरीर के अंदर। और इसको बोला जाता है केमिकल फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री। और जो लीवर होता है इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg इसका वेट होता है। और लीवर के अंदर क्या होता है, इसमें देखिए इसका काम होता है, ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस पित्त रस का स्त्रावण करता है, बाइल जूस को ये प्रोड्यूस करता है। और लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर पित्ताशय जिसको बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये इस पित्त रस का भंडारण करता है। स्टोर कहाँ पर होता है ये पित्त रस, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो कि हमारे लीवर के ही अंदर होता है। और आपने याद रखना है, लीवर के अंदर होता है यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, ये भी लीवर के अंदर होती है यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिया का निर्माण जो होता है ये भी लीवर के अंदर होता है। ये इतनी सारी चीजें आपने याद रखनी है। और आपने याद रखना है कि जो पित्तरस होता है, पित्तरस करता है बसा का पाचन, फैट जो होता है, फैट को ये पचाने का काम करता है, जो हमारा पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है। और जो लंग्स है हमारे पास दिया हुआ है, लंग्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर आदान प्रदान होता है। गैसों का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है ये एल्वोलाई में होता है गैसों का एक्सचेंज, ये आपने याद रखना है। और किडनी के अंदर क्या होता है, इसमें ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है,
ब्लड प्लाज्मा फिल्टर यहाँ पर होता है, ब्लड इसमें फिल्टर होता है, इसमें होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर होती है, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होते हैं किडनी के अंदर। और जो थायराइड होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और इसमें जो ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, जिसको कि पेस मेकर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। किसको? थायरोक्सिन हार्मोन को। और अगर बॉडी के अंदर ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, घेंगा रोग इससे हो जाता है, क्योंकि जो थायरोक्सिन होते हैं इसमें आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर लीवर इसका राइट आंसर है सी, लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमारा थायराइड ग्लैंड आता है सबसे बड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टर्नम इज लोकेटेड इन, स्टर्नम कहाँ पर लोकेट होती है? फुट, पाम, चेस्ट या स्कल के अंदर? यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं जो स्टर्नम है, ये जो बीच की हड्डी आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये सारी रिब्स जो है वो आप जुड़ी हुई है जिस हड्डी से, वो वाली जो ये बीच की हड्डी है ये हमारी होती है स्टर्नम, ये वाली हड्डी होती है हमारी स्टर्नम। और जो रिब्स होती है, देखिए ये सारी जो रिब्स है ये इनसे जुड़ी हुई है। रिब्स हमारी कितनी होती है? 12 पेयर होती है हमारे पास रिब्स, जो कि 24 रिब्स हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो शुरू की 7 रिब्स होती है वो होती है ट्रू रिब्स, और उसके बाद की जो 3 रिब्स होती है वो होती है फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स, और उसके बाद की 2 होती है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स होती है। तो 12 पेयर हमारे पास रिब्स होती हैं। तो ये कहाँ पर होती है? चेस्ट में। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? फैमिली के द्वारा, पीयर ग्रुप, स्कूल या सोसाइटी? अब देखिए जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, ये टीनेज भी इसको बोला जाता है, टीनेज जो कि 13 to 19 ईयर होती है, तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा किसी पर्सन का जो जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, उसके व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके साथियों का पड़ता है, पीयर ग्रुप। इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज साइकोलॉजी डिफाइंड टुडे, आज के टाइम पर साइकोलॉजी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? द साइंस ऑफ बिहेवियर, या फिर द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, या द साइंस ऑफ माइंड, द स्टडी ऑफ मोटिवेशन, इमोशन, पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट एंड एबनॉर्मिलिटी? तो साइकोलॉजी होता है हमारा द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का ये विज्ञान होता है, भी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? खिलाड़ियों के लिए लाभदायक होता है, एडवांटेजियस टू द प्लेयर, या फिर उनकी क्षमताओं के लिए हानिकारक होता है, या फिर दोनों ही होता है, लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो स्ट्रेस होता है, अगर थोड़ी मात्रा में अगर होता है, अगर कम स्ट्रेस होता है, एक सीमा तक होता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है। अब जैसे कि अगर कोई भी काम हमें उसकी डेडलाइन हमारे पास है, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है और हम उस काम को कर लेते हैं ठीक से। अगर हमारे पास वो स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है, कि उस स्ट्रेस की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारे लिए, हमारी क्षमताओं के लिए हानिकारक हो जाता है। तो दोनों ही तरह से ये हमारे लिए हो सकता है, हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो बोथ एडवांटेजियस एंड डिट्रिमेंटल एज पर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट इसमें, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर इन टेनिस और बैडमिंटन? टेनिस और बैडमिंटन में फ्रैक्चर का सबसे जो आम स्थान होता है वो कौन सा होता है? सबसे जो आम है हमारे चोट लगती है बैडमिंटन और टेनिस खेल में, वो कहाँ होती है? रिस्ट में, फोर आर्म, हैंड या एंकल के अंदर? अब देखिए टेनिस और बैडमिंटन में हम ज्यादातर यूज हमारा होता है रिस्ट का, ठीक है। रिस्ट पर ज्यादा प्रेशर जब पड़ जाता है तो
हमारे कलाइयों में फ्रैक्चर हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन है टेनिस और बैडमिंटन प्लेयर के लिए, तो रिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज, एवरेज एडल्ट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml, 80 ml, 85 या 90 ml। सबसे पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के, जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर चार चैम्बर होते हैं। मान लीजिए देखिए इस तरह से हार्ट होता है, इसमें चार चैम्बर होते हैं, जो ये ऊपर वाले होते हैं हमारे, ठीक है, ये एट्रीम है, ये वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रीम, राइट एट्रीम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार पंप करने से जितना ब्लड हमारे शरीर को पहुंचता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम एवरेज कितना होता है एक एडल्ट के अंदर, 70 ml, इसका राइट आंसर हो गया 70 ml, ए इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट फूड फूड वैल्यू, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फूड वैल्यू, ठीक है, किसकी होती है, व्हाइट एग, ब्राउन एग, बोथ ए एंड बी या डक एग। देखिए व्हाइट एग, ब्राउन एग, इन दोनों की फूड वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट फूड वैल्यू, तो सी इसका राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी बर्न द मैक्सिमम कैलोरी, इनमें से देखिए कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा कैलोरी हमारी बर्न करती है। साइकिलिंग कितनी, 5.5 माइल पर आवर, अगर हम साइकिलिंग करते हैं कितना, 5.5 माइल पर आवर अगर हम साइकिलिंग करते हैं, या फिर स्क्वैश खेलते हैं, या रनिंग करते हैं 10 माइल पर आवर, या फिर स्विमिंग करते हैं 20 यार्ड पर मिनट। तो सबसे ज्यादा जो कैलोरी बर्न होगी तो ये होगी 10 माइल पर आवर रनिंग करने से, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। तो ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से होते हैं, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इनको कौन सी बीमारी इफेक्ट करती है, चिकन पॉक्स, रेबीज, टिटनेस या फिर एड्स। जो हमारी रेबीज, देखिए रेबीज होती है ये हमारी एनिमल बाइट की वजह से होती है, जैसे कोई कुत्ते बंदर के काटने से रेबीज जो बीमारी है वो हो जाती है, और ये रेबीज वायरस के द्वारा होती है, वायरल डिजीज होती है, और कौन सी वायरस से होती है, रेबीज वायरस ही उसको बोलते हैं, रेबीज वायरस के वजह से ये होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे ब्रेन है उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, और इसमें डर लगने लगता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया इससे हो जाता है, और इसमें हेलुसिनेशन होने लगती है। इस तरह से ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को ये इफेक्ट करता है, इसमें हाइड्रोफोबिया, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन, इस तरह के इसमें लक्षण होते हैं। इसमें देखिए फिर दिया है चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता बोला जाता है हिंदी में, और चिकन पॉक्स में क्या होता है, इसमें रैश हो जाती है, इची रैशेज हो जाते हैं, और इसमें दाने से बनने लगते हैं जिसमें पानी भरने लगता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है ये होता है, ये भी एक वायरल डिजीज होती है, जो कि किसकी वजह से होता है, बैरिसेला, बैरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से ये होता है चिकन पॉक्स, और ये ज्यादातर बच्चों के अंदर होता है। और जो टिटनेस दिया हुआ है, देखिए जो टिटनेस होता है इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल होता है, और ये कौन से बैक्टीरियल की वजह से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, जिसमें क्या होती है, हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रेक्शन इसमें होती है, खासकर जो हमारी जॉ होती है ये लॉक हो जाती है, नेक लॉक हो जाती है इसमें। इसमें जो एड्स दिया हुआ है इसको बोला जाता है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता है HIV वायरस की वजह से, जिसको ह्यूमन अमीनो वायरस, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस इसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाता है,
जिससे हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में खत्म होने लगती है और हमारे शरीर में बाकी बीमारियां भी फिर लगने लगती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से प्रोटीन का सोर्स कौन सा नहीं है। एग होता है, एग में भी प्रोटीन होता है, मीट में होता है, मिल्क में भी होता है, लेकिन जो ऑयल है ऑयल में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, ऑयल इज नॉट अ नॉट कंटेनिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या होता है, ऑयल के अंदर ज्यादातर हमारे कैलोरी होती है जिससे एनर्जी हमें मिलती है, कैलोरीज होती है, और ये एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होती है ऑयल। और इसमें फैट भी होता है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है व्हाट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिफॉर्मिटी। तो ये परिभाषा देखिए किसने किसके द्वारा दी गई है। ये क्या है, हमारा शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, ना कि केवल बीमारी और विकृतियों की अनुपस्थिति। ये क्या है, ठीक है, फिजियोलॉजी, रिक्रिएशन, हेल्थ या ग्रोथ। तो ये हमारी हेल्थ होता है, ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन है ये, जो कि WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये परिभाषा दी गई है हेल्थ की। और WHO के बारे में याद रखना है, WHO की फॉर्मेशन कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को WHO की फॉर्मेशन हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी हेल्थ की जो परिभाषा है वो WHO ने क्या दी, अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट इसमें है द नंबर ऑफ फ्लाइट इन 110 हर्डल रेसेस। 110 हर्डल रेस में जो बाधा हर्डल लगती हैं वो कितनी होती हैं, तो 8, 9, 10 या 11। तो हमारी हर्डल जो लगती हैं वो 10 हर्डल इसमें लगती हैं, 10 हर्डल लगती हैं। हर्डल के अंदर देखिए मेंस के लिए इवेंट होता है 110 मीटर हर्डल रेस होती है, और इसमें 400 मीटर हर्डल होती है, और विमेन्स के लिए इसमें होती है 100 मीटर की हर्डल और 400 मीटर हर्डल रेस होती है, जिसमें कि 10 हर्डल लगाई जाती है। ठीक है, दोनों के लिए, मेन्स और विमेन्स के लिए 10 हर्डल लगाई जाती है। तो 10 इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने याद रखना है इन हर्डल की विड्थ कितनी होती है, इनकी विड्थ होती है 1.20 मीटर इसकी विड्थ होती है, और वेट कितना होता है हर्डल का, इसका वेट होता है हमारा 10 kg से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 kg, 10 kg से कम नहीं होना चाहिए वेट इन हर्डल का। और इन हर्डल की जो हाइट होती है, ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी भी मैं ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, जो मैंने हर्डल वाली वीडियो बनाई हुई है अलग से। तो मेंस के लिए देखिए जो 110 के लिए हर्डल की हाइट रहती है 1.067 मीटर, और विमेंस के लिए 100 मीटर के हर्डल में 0.84 मीटर रहती है। और यहाँ पर डिस्टेंस स्टार्टिंग लाइन से जो फर्स्ट हर्डल का डिस्टेंस होता है मेंस के लिए 110 मीटर की हर्डल में 13.72 मीटर होता है, और हर्डल के बाकी की आगे हर्डल के बीच का डिस्टेंस 9.14 मीटर, और लास्ट हर्डल से फिनिशिंग लाइन तक का डिस्टेंस 14.02 मीटर रहता है, और 400 मीटर में 0.914 मीटर। और ये सारी चीजें देखिए आप यहाँ पर इसको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है हाउ मैनी टोटल जंप आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस। 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस के अंदर कुल कितने जंप होते हैं। अब स्टीपल 3000 की स्टीपल चेज के अंदर देखिए 28 इसमें हर्डल्स होते हैं और 7 वाटर जंप होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 35। सी इसका राइट आंसर है 35। 2000 का पूछा है तो इसमें 18 हर्डल होती है और 5 इसमें वाटर जंप होते हैं। नेक्स्ट इसमें डायमेंशन ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट इज, वॉलीबॉल कोर्ट का डायमेंशन 9 x 18 मीटर, और ये देखिए ब्रेथ और लेंथ दी हुई है, पहले ब्रेथ दी हुई है फिर लेंथ दी गई है, ये भी ध्यान रखना है।
मीटर इंटू 20 मीटर, 11 मीटर इंटू 21 मीटर, 8 मीटर और 16 मीटर। तो ए इसका राइट आंसर है। कितना होता है? 18 मीटर इसकी लेंथ होती है और विड्थ इसकी कितनी होती है? 9 मीटर होती है वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर। और बाकी की चीजें इसमें याद रखनी है आपने। नेट की हाइट कितनी होती है वॉलीबॉल के अंदर? नेट की हाइट मेंस के लिए अलग होती है, विमेंस के लिए अलग होती है। मेंस के लिए होती है 2.43 मीटर और विमेंस के लिए इसमें होती है 2.24 मीटर। और नेट की लेंथ कितनी होती है? नेट की लेंथ 9.50 से लेकर 10 मीटर। और कितना चौड़ा नेट लगता है? विड्थ कितनी होती है नेट की? 1 मीटर इसकी विड्थ रहती है। और इसमें जो पोस्ट लगते हैं, पोस्ट या पोल जो इसमें होते हैं, वो कितने के होते हैं? इसकी हाइट देखिए, सबसे पहले पोस्ट की हाइट कितनी होती है? 2.55 मीटर की ऊंचाई पर ये लगाए जाते हैं पोस्ट, इतने ऊंचे रहते हैं 2.55 मीटर के। और इसमें जो बॉल होती है, बॉल का वेट और जो पोस्ट होते हैं एडजस्टेबल होते हैं। कि फिर बॉल है, बॉल का वेट कितना होता है? बॉल का वेट इसमें 260 से लेकर 280 ग्राम होता है। और इसका परिधि और सरकमफ्रेंस कितना होता है? 65 to 67 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें रिवाइज करवा रही हूँ फिर से, ताकि बार बार इसलिए बोलती हूँ आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो जाए। एंटीना लगता है वॉलीबॉल के अंदर, एंटीना 1.80 मीटर का एंटीना लगता है। 1 मीटर तो नेट में ही रहता है, 1 मीटर चौड़ा होता है नेट, तो 1 मीटर नेट में ही रहता है। और 80 सेंटीमीटर जो है ऊपर की तरफ को ये रहता है। और वॉलीबॉल के अंदर प्लेयर कितने होते हैं? प्लेयर इसमें 6 प्लेयर होते हैं, 6 एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल 12 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। और वॉलीबॉल के अंदर रोटेशन याद रखनी है। रोटेशन जो होती है किस तरह से होती है? क्लॉकवाइज ये होती है। तो इतनी सारी चीजें आपने वॉलीबॉल के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेट कैटेगरी आर इन द गेम ऑफ जूडो? जूडो के खेल में जो वेट कैटेगरी है कितनी होती है? 7, 8, 9 और 10। 7 कैटेगरी होती है। ए इसका राइट आंसर। इसमें सबसे पहले होता है एक्स्ट्रा लाइट वेट, एक्स्ट्रा लाइट वेट 60 kg। दूसरा इसमें होता है हाफ लाइट वेट, ये कितना होता है? ये होता है 66 kg। फिर होता है इसमें लाइट वेट, ये होता है 73 kg। चौथा इसमें होता है हाफ मिडल वेट, ये 81 kg। पांचवा इसमें हाफ हैवी वेट, ये होता है 90 90 kg। सिक्स्थ है इसमें हैवी वेट, ये हमारा 100 kg। और सेवन्थ आता है इसमें ओपन वेट, ओपन वेट 100+ का ये होता है, 100+ kg ओपन वेट। और उसी तरह से महिलाओं के लिए पहले एक्स्ट्रा लाइट वेट होता है 48 kg का, और उसके बाद होता है हाफ लाइट वेट, सेम इसमें है 52 kg का। फिर उसके बाद लाइट वेट 57 kg, फिर हाफ मिडल वेट 63 kg, और उसके बाद हैवी वेट 70 kg, फिर उसके बाद सॉरी हाफ हैवी वेट 70 kg और हैवी वेट 78 kg, और ओपन वेट इसमें प्लस 78 के जो आगे आता है वो इसमें ओपन वेट के अंदर आता है। इस तरह से 7 मेंस के लिए और 7 वीमेंस के लिए होती हैं, तो 7 वेट कैटेगरीज के अंदर होती हैं। नेक्स्ट इसमें है, टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल कैन बी यूज एक्सेप्ट? हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए किसी भी कौशल का प्रयोग किया जा सकता है सिवाय किसके? तो हिट हम नहीं कर सकते हैं स्ट्रोक लेते समय पर, पुश कर सकते हैं, फ्लिक कर सकते हैं, स्कूप कर सकते हैं, लेकिन हिट नहीं कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हॉकी के अंदर जो पेनल्टी है वो 7 यार्ड से ली जाती है। हॉकी का ग्राउंड कितना होता है? ये होता है 100 यार्ड, इसकी लेंथ होती है और इसकी विड्थ कितनी होती है? 60 यार्ड। हॉकी के ग्राउंड की लेंथ और विड्थ होती है 100 यार्ड इंटू 60 यार्ड। और इसमें गोल की लेंथ कितनी होती है? गोल की लेंथ इसमें 3.66 मीटर, और इसमें विड्थ होती है मतलब हाई कितना होता है, कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, 2.14
मीटर हाइट होती है गोल की, और ये इसकी लेंथ होती है। और हॉकी के बॉल कितनी होती है, इसका वेट होता है 5.5 से लेकर 5.7 ऑंस, जो कि ग्राम में देखा जाए तो 156 से लेकर 163 ग्राम होता है। और सरकमफ्रेंस कितना होता है बॉल का, परिधि कितनी होती है, तो ये होती है 224 से 235 mm, जो कि सेंटीमीटर में देखा जाए 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 23.5 सेंटीमीटर ये होता है। और हॉकी की स्टिक का वेट कितना होता है, स्टिक का वेट तो ये होता है 12 से लेकर 26 ऑंस। और विड्थ कितनी होती है, कितनी चौड़ी हॉकी स्टिक रहती है, तो 2 इंच की ये होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए हॉकी स्टिक की, तो मैक्सिमम ये होनी चाहिए 105 सेंटीमीटर, 105 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हॉकी स्टिक। और इसका जो घुमा हुआ हिस्सा रहता है, ये वाला जो घुमा हुआ हिस्सा रहता है, ये 4 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और हॉकी के अंदर जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 11 प्लेयर होते हैं, 7 इसमें सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो टोटल 18 प्लेयर एक टीम के अंदर होते हैं हॉकी के मैच में। और ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है मैच की, ड्यूरेशन या अवधि कितनी होती है मैच की, यह होती है 60 मिनट का इसमें मैच होता है, जिसमें 4 क्वार्टर के अंदर होता है, ठीक है, 15 15 मिनट के इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, जिसमें 2 क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का ब्रेक टाइम दिया जाता है, और एक हाफ के बीच में अगर 30 मिनट का जब खेल हो जाता है, इंटरवल टाइम इसमें 5 मिनट का होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर डी इसका राइट आंसर है, हिट। नेक्स्ट इसमें है, जॉगिंग स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर द पार्ट ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग या फार्टलेक ट्रेनिंग। तो जॉगिंग स्विमिंग और साइकिलिंग जो पार्ट होते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के, ये हमारे पार्ट होते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हमने पढ़ा हुआ था क्या होता है, जिसमें लगातार जो है कंटिन्यू ट्रेनिंग की जाती है लंबे टाइम के लिए, मीडियम और स्लो एंड मीडियम इंटेंसिटी पर लंबे टाइम के लिए इसमें ट्रेनिंग की जाती है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, जिसके अंदर जॉगिंग स्विमिंग साइकिलिंग ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फीला इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच गेम। तो फीला किस खेल से संबंधित है हमारा, फुटबॉल, वाटर पोलो, रेसलिंग और कबड्डी। तो फीला जो होती है ये फेडरेशन हमारी है, रेसलिंग से संबंधित हमारी ये है, ठीक है, इसको बोला जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डिल्यूट एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डिल्यूट एसोसिएशन, जिसको कि क्या बोला जाता है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसको बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1912 को, 1912 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, बर्नार्ड लेकोविक इसके प्रेसिडेंट है। और इस फुटबॉल से रिलेटेड कौन सी एसोसिएशन होती है, फीफा, फीफा होती है फुटबॉल की, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और जो वॉटर पोलो है ये आता है फीना के अंदर, फीना, फेडरेशन इंटरनेशनल द नेटेशन, इसके अंदर वॉटर पोलो, स्विमिंग, डाइविंग ये सारी आती है फीना के अंदर। तो और इसमें जो कबड्डी की है, कबड्डी की हमारी है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। तो जो फीला है हमने पढ़ा, ये रेसलिंग से रिलेटेड है, तो सी इसका राइट आंसर है, रेसलिंग। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में पढ़े। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।